अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज बहुत ही मज़े की मसालेदार चना चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जरूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। मसालेदार चना चाट बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए होगा, 1/2 टीस्पून आमचूर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाहौरी नमक, 1/2 टीस्पून हमें नमक चाहिए होगा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इस चाट में थोड़े से मसाले ज़रा ज़्यादा डालते हैं। इन सब मसालों का आपने ज़रूर इस्तेमाल करें, इन सब मसालों से इस चाट में एक मज़े का अरोमा और फ्लेवर ऐड होगा। मैं पर्सनली ज़्यादा मसाले बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ किसी भी हांडी में या डिश में, लेकिन ये चाट बहुत परफेक्ट बनती है इन सब मसालों के साथ। तो आपने सारे मसाले ज़रूर डालें, उन मसालों को आपने थोड़े से ऑयल में भूनना भी ज़रूर है, यानी कि कच्चे मसालों का आपने इस्तेमाल इस चाट में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो मसालों को हमने थोड़ा सा भून लिया है। यहाँ पर देखें, 2 कप मेरे पास उबले हुए चने हैं, ये ऐड कर देंगे। चनों को भी मसालों के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। आँच आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपके जो मसाले हैं वो जल सकते हैं और जले हुए मसालों की जो हमक है वो बहुत बुरी लगती है चाट में, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। यहाँ पर देखिए, 1/2 कप मेरे पास इमली का पल्प है, ये भी ऐड कर देंगे। इस इमली के साथ थोड़े से चनों को भून लेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं हमारे जो चने हैं बहुत अच्छी तरह से भुने गए हैं। अब चूल्हे को कर देंगे बंद और थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए। फिर हम इसमें बाकी सब्जी ऐड करते हैं जो हमने चाट में इस्तेमाल करनी है। हमारे चने जो हमने चूल्हे पे पकाए थे इस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल हैं, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, गर्म नहीं होने चाहिए, इसका आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक उबला हुआ आलू है, ये ऐड करेंगे, और एक टमाटर है जिसकी मैंने सीड निकाल ली है और उसको फाइन चॉप कर लिया, ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और एक प्याज है जो चॉप किया हुआ है मैंने, ये ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस भी जाएगा, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो बनाते हुए, तो इसलिए मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड किया था। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी मसालेदार चना चाट बिल्कुल स्टेप पर तैयार है, आए आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। थोड़ी सी पापड़ी ऊपर से डाल देंगे मोर इसको क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए। आप चाहें तो इसके ऊपर दही भी डाल सकते हैं और खट्टी मीठी इमली की चटनी भी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखा करें, मुझे दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।